मैंने फोड़ दिया और बहुत सारे पैसे निकले इन लोग पार्टी के लिए। मुझे यूट्यूब का वाई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था सारी। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। गुड मॉर्निंग, और मैं फिर से आ गई हूँ हापुड़, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी रेगुलर पड़ रही थी और 2 छुट्टी मैंने ले ली, तो हम फिर से आ गए हापुड़ और जल्दी से ही आ गए इस बार। तो थोड़ा सा काम भी था इसीलिए भी आए हैं, और मामा जी की लड़की की शादी है उसमें भी जाने के लिए आया, तो उसी की तैयारी हम सब कर रहे हैं। कपड़े हमारे सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो देख ढूंढ ढूंढ के रख रहे हैं, ढूंढ ढूंढ सब ढूंढ रहे हैं अपने अपने। मैं भी ढूंढ के लाई हूँ काव्या के और अपने, देखो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये वाले कपड़े मैं अभी नीचे से निकाल के लाई हूँ, इसमें मेरे हैं, इसमें काव्या के हैं। ये वाली ड्रेस मैंने काव्या जब हुई थी तब ली थी, ये देखो, ये इसने फर्स्ट बर्थडे पे अपने पहनी थी, बहुत ही सुंदर सी है ये। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि काव्या को क्या पहनाएंगे, बस मैंने लाल ला के रख लिया, और मैंने भी अपने लिए निकाला है लहंगा, निकाला लाचा निकाला। सर जी आ जाएंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे, सर जी क्या पहनेंगे, और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। हाँ बेटा, ये काव्या आ गई है, देखो फ्रेंड्स मैं काव्या से मिलवाती हूँ। मम्मी भैया कार्टून नहीं चला रहा, चलो उसकी पिटाई लगाते, पहले आप फ्रेंड से हेलो कर लो, पूछो आप कैसे हो, सब कमेंट करके बताना सब कैसे हैं, सब अच्छे हो। चलो 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 डांट लगाते इसकी, और फ्रेंड्स मैंने मशीन भी लगा रखी है, इसमें कपड़े धुल रहे हैं, कुछ धोके मैं ले आई हूँ जो मेरे थे अपने, मैंने यहाँ पे लाके सुखा दिए क्योंकि धूप में कलर उड़ जाता है। ये काव्या को घर बनाने का अपना इतना शौक है, ये 2 तकिया रख लेती है, 2 या 3 जितनी भी तकिया होती है सबको रख के घर बना लेती है और उसी में बैठी रहती है, और पता नहीं कितना टाइम घंटों घंटों खेल लेती है ये उसमें बैठ के। काव्या आपने अपने सर जी से छुट्टी ले ली थी स्कूल से आने से पहले, पूछे कैसे पूछा था, फिर सर जी ने छुट्टी दे दी थी। तो फ्रेंड्स काव्या 2 दिन स्कूल गई थी और सर जी से अपने कह रही मम्मा मेरे लिए छुट्टी मांग लेना क्योंकि हमें हापुड़ जाना है, और काव्या के पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे, यानी काव्या फर्स्ट डे गई थी तभी कह रही थी मम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, फिर सेकेंड डे वाला कैसा हुआ था, अच्छा। क्या लिखा था आपने पेपर में, बी फॉर बॉल। तो फ्रेंड्स सर जी आ जाएंगे जब, सर थ्रेडिंग करानी है मुझे, थ्रेडिंग करा लेंगे, बाकी तो मैं और कुछ नहीं कराऊंगी, मैं बस ऐसे ही रहूंगी जैसे, और मैं यदि बाहर से थोड़ा सा कुछ कभी कभी कुछ अगर अलग से कुछ लगा लेती तो सर जी कहते हैं क्या भूत जैसे बन गई हो, नॉर्मली रहा करो जैसे घर में हमेशा रहती हो। तो सर जी को ज़्यादा मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचती थी मैं पार्लर से तैयार हो जाऊँ, पर जब भी कुछ होता है वो पार्लर वाले खाली नहीं होते, पता नहीं क्या होता है, मेरी किस्मत ऐसी है, तो फिर मैं खुद से ही अपना लीप अगोती कर लेती हूँ। तो पहले तो डिसाइड कर ले लहंगा पहनेंगे साड़ी पहनेंगे या क्या पहनेंगे, उसके बाद देखते हैं। यदि साड़ी पहनेंगे तो मैं खुद ही कर लूंगी, यदि लहंगा पहनेंगे, सर जी की कॉल भी आ रही है, यदि लहंगा पहनेंगे तो फिर मेकअप करा के देखेंगे, और सर जी की कॉल आ रही है, मैं पहले वो सुन लूं क्योंकि इसी फोन पे कॉल आ रही है। सर जी फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम सब क्या कर रहे हो, मैंने बताया हम वेट कर रहे हैं, आ जाओ शॉपिंग शॉपिंग वॉपिंग चलेंगे सर जी। और फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको, हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, और मेल आई थी कल का थोड़ी सी वीडियो क्लिप है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी उसको भी, वो तुरंत जैसे ही पता चला मोनेटाइज हो गया चैनल, तो थोड़े से अलग सी फीलिंग आ रही थी, तो थोड़ा थोड़ा उछल कूद कर रहे थे हम मैं और काव्या, और उसकी छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और अब देखो गूगल एड्स जो पिन होता है वो कब तक आता है, तो जैसे भी होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बहुत टाइम कंप्लीट हो गया था लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया था, उसके बहुत टाइम कंप्लीट होने के भी 4-5 दिन बाद हमने अप्लाई किया है, तो हमारा चैनल रिव्यू के लिए गया हुआ था, तो मन में ऐसे ऐसे हो रही थी पता नहीं क्या होगा, डीमोनेटाइज ना हो जाए चैनल हमारा, क्योंकि जब इस चैनल की मैंने शुरुआत की थी तो मुझे यूट्यूब का वाई भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, सारी चीज़ें हमने इसी चैनल से सीखी हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हमने इसी चैनल पे किए हैं, सारी गलतियां हमने इसी चैनल पे की हैं, तो यही एक चैनल है, इसी पे हम शॉर्ट डालते हैं, इसी पे हम ब्लॉग डालते हैं, गलतियां हमने बहुत सारी की हैं, बाद में पता चला ये गलतियां, तो फिर वो हमने बंद की और कुछ सुधार भी किए, कुछ चीज़ें जो मोनेटाइज होने से पहले जब रिव्यू के लिए चैनल जाता है तो का जो टाइटल होता है उसमें हैशटैग नहीं होने चाहिए, तो उसको हमने देखा और वो हमने एक एक वीडियो करके चेक की, 3-4 दिन लगे उसमें, और एक एक करके चेक की, चेक करके फिर वो हटाए, तब जाके फिर हमने अप्लाई किया, तो जब तक मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक दिल ऐसे धड़क रहा था, धक 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 धक, तो हमेशा ही धड़कता लेकिन डर वाला धड़क रहा था। और मैं बहुत खुश हूँ आप सबका प्यार और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, और मैं आप सबसे ऐसे ही जुड़ी रहूंगी, तो चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है और इसकी पार्टी हम बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी ही करेंगे, यानी केक सेक काटेंगे, लेकिन पिन आ जाए तब।
पार्टी के लिए हम सब जा रहे हैं पार्टी करने, आप भी आ जाओ, आपको भी पार्टी कराए। गुल्लक फोड़ नहीं हो रही। गुल्लक तो फ्रेंड्स पैसे भेज दो, लुका पट्टा सब सब पैसे पैसे लुटेरे हो गए हैं पैसे। और फ्रेंड्स सोफे के नीचे पैसे घुस गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी अभी मेल आई थी और मैंने अभी अभी पढ़ी और उसमें लिखा था हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है और गूगल एडसेंस जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर केक काटेंगे फिर पार्टी करेंगे। तो अभी केक तो नहीं काटेंगे, पार्टी भी ऐसी करेंगे, गुल्लक फोड़ लिए हमने, जो पैसे मिलेंगे शादी है शादी के लिए कुछ ना कुछ लेने खरीदने जा रहे हैं, मतलब जिसको जो पसंद आएगा वो ही ले लेगा। और केक भी काटेंगे हम मोनेटाइजेशन का, लेकिन थोड़े सी उसमें काम बाकी है, वो पूरा हो जाए कंप्लीट उसके बाद। फ्रेंड्स आज चल रहे हैं हम गोल मार्केट और आज आपको दिखाएंगे हापुड़ की गोल मार्केट में घुमाते हैं। सर जी और काव्या नीचे पहुंच गए, बहुत शोर मचा रहे हैं नीचे, सर चल रहे जल्दी से गुल्लक फोड़ के। साड़ी और क्या? और ये। साड़ी पहन के कहाँ जाओगी? दावत में। क्या नाम है बेटी मेरी? मैं बंदर है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पूरी गोल मार्केट घुमाना चाहती हूँ, मतलब मैं सोच रही थी इधर साइड से पूरा दिखा दूंगी, फिर वापस लौट के आऊंगी तो इधर साइड से पूरा दिखा दूंगी जैसे मैंने आपको रेलवे रोड घुमाया था, लेकिन आज तो गोल मार्केट हम घुमा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश हो गई है। तो आज गोल मार्केट का प्लान करते हैं कैंसिल और उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश हो गई है, बहुत तेज से बारिश हो गई है। तो फ्रेंड्स हम सबकी शॉपिंग हो गई है और अब सर जी की बारी है, सर जी भी कर ले फिर चलते हैं घर। मम्मी की है भतीजी की शादी और मम्मी तैयार हो गई है, इतने हम आए हैं। साड़ी ले आऊंगी चूड़ी ले आऊंगी। चलो मम्मी ने जाने की बिल्कुल तैयारी। कई साल हो गए मम्मी को, मामा के पास गए हुए तो मम्मी का मन कर रहा, इसलिए मम्मी ने बैग वैग सब पैक कर लिए। अरे तो जान दो ना, कोई ना तो अकेली थोड़ी चली जाएंगे। अरे अकेली चली जाएंगे ना यार, ये तो छोड़िया हो जाओ। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। तुम कैसे जाओ गाजियाबाद?
मम्मी रास्ता बताओ पहले, ड्राइवर यहाँ से जैसे जाऊंगी और वो उतारेगा वहाँ गोल चक्कर है और यहाँ उतार कर पुल के नीचे को लिखड़ के और यहाँ लाल मंदिर है और वही मंदिर वाली सड़क में मतलब पैदल भी गई कई बार, पैदल चली गई कई बार गई पहले, बस तो चली जाएंगे बस कुछ कुछ बदल गया सब कुछ, पर फिर भी हमारी रजनी भी आ गई है, बात कर रही मैं तुमसे ही बात कर रही, मैं वीडियो बना रही थी कर लिया तो पजामी गंदी यार, तुम तकिया रख के थोड़ी बैठोगी तो ऊपर बैठो सोफे पे, यहाँ मत बैठो यार, हाँ सोफे में पैर दुखने लगेंगे, कब से पैर दुखने लगे सोफे पे भाई, वीडियो बंद करो क्यों? तो फ्रेंड्स हमारे सर जी आ गए हैं और अब हम शाम की तैयारी, अब हम शादी की तैयारियां करेंगे, जोर जोर से तैयारियों पे लगेंगे, मम्मी हमारी दिन में ही चली गई है और फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ सर जी क्या देख रहे हैं, देखो ये देख रहे हैं सर जी हमारे व्लॉग ही देखते रहते हैं, जब हम यहाँ नहीं होते वहाँ होते मितौली में तो हम वहाँ की वीडियो बना बना के डालते हैं, तो सर जी वही देखते रहते हैं मुझे और काव्या को तो फ्रेंड थोड़ी देर करते हैं हम लोग आराम और उसके बाद मिलते हैं फिर आज। ये पूरे दिन घर ही बना रही है, अच्छा और भी कुछ घर बनाया, ओह वाह जी, कल की तैयारी हो रही है, सबसे पहले काव्या की ड्रेस सेलेक्ट करी जा रही है, आ गई लेकिन पहले डिसाइड तो नहीं है क्या पहनेगी, तो फ्रेंड्स काव्या की ड्रेस सेलेक्ट हो गई है, एक ये वाली और एक दूसरी ये वाली, ये दोनों सेलेक्ट की हैं और शाम का समय हो चुका है, काव्या सो चुकी है, 8 बज गए हैं, अब मैं अपनी तैयारी करूंगी, बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने पहन के देख लिया था, मैं सोच रही थी एक बार ट्राई करके देखती हूँ ये कैसा लगेगा कल के लिए, तो अब ये तो कैंसिल है, इसे नहीं पहनूंगी, कुछ और ही पहनूंगी, मैंने बैक कैमरा करके रूम दिखाती हूँ मैंने कितने अच्छे तरीके से फैलाया हुआ है, तो ये देखो ये कुछ मैंने ऐसे करके पूरे रूम भर में कपड़े फैला रखे हैं, ये काव्या के हैं, वो मेरे हैं, उसमें से सेलेक्ट करना था और ये सब ऐसे ही फैले हुए हैं, सब मैंने सर जी नीचे और मैंने सब ऊत पटांग करके सब फैला हुआ, अभी आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, तो मैं अब जल्दी से इसे समेट देती हूँ, बस काव्या को कुछ दे देती हूँ पहनने की, वरना तो ये जिद ऐसे ही करती रहेगी, तो ठीक है फ्रेंड्स मैं इसको संभाल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हम कहें दिन तो दिन है, हम कहें रात तो रात है, हम कहें कछु नहीं है तो बोलो कछु नहीं है, कछु नहीं है, कछु है नहीं है, हमने कही एक कंगन तुम लाइयो दो, हमने कही दो झमका तुम लाइयो दर्जन भर, साड़ी हमने अगर एक कही तो अपने से एक्स्ट्रा लाने हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे मामा जी की लड़की की शादी है और कल शादी में जाना है हमको, तो हमारी मैडम अपनी शादी में जाने के लिए तैयारियां कर रही है, सारे कपड़े निकाल के कभी काव्या के कभी अपने सब फैला हुआ कर रखा आज मेरे कमरे में, मैं तो यहाँ तो सारा घर इन्होंने सब फैला रखा, और रात के बज रहे हैं 10 इस टाइम, क्यों मैडम क्या कर रही हो, कपड़े नंद की शादी है उसकी तैयारी कर रहे हैं और कपड़े रख रही हूँ अपने और काव्या के, पैकिंग कर रही हूँ कल जाना है हमें, और इसीलिए हम इतनी दूर यानी लखीमपुर से यहाँ चल के आए, अभी हम गए थे तुरंत वापस भाग आए शादी की वजह से, और मुझे पूरे कितने 3.5 पूरे 4 घंटे हो गए हैं मुझे इन सारे कपड़ों में लगे लगे, एक तो हमारा पूरे घर में सामान सब इधर उधर फैला पड़ा है,
तो इसलिए हम कुछ निकाल के लाए, जो निकाल के लाए उन्हें पहन पहन के भी देख रहे हैं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। काव्या ने भी देखो, काव्या तो पहन के भी बैठी है भी दूसरे और ये काव्या का लहंगा वहंगा सब ऐसे ही संभाल संभाल के रख रही हूँ मैं, जो पहनना है वो निकाल रही हूँ, जो नहीं पहनना है वो उठा के रख रही हूँ। सर जी का रूम हमने पूरा फैला रखा पूरे 3-4 घंटे। कोई बात ना, जब आ जाते हैं बच्चे तो रौनक हो जाती है कमरे में। चलो ठीक है, तो फ्रेंड आगे हम दिखाएंगे आपको, आज तो तैयारियां चल रही हैं, कल चलते हैं शादी में। रात के 12:30 बजे फ्रेंड्स, रात के 12:30 बजे। हेलो फ्रेंड्स, पापा को डरा दो, पापा को। सर जी तैयारी हो गई? नहीं। अरे काव्या क्या कर रही हो? तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 12:35 हो रही है और इस टाइम मैंने तो प्रेस कर ली थी, अब सर जी कर रहे हैं हमारे। तो फ्रेंड्स बीच में हमने ब्रेक लिया था, हम खाना पीना करके आए थे अभी नीचे से, कुछ जो भी थोड़ा बहुत खाना था, और अभी फिलहाल भी तैयारियां चल रही हैं। काव्या सिंह देखो क्या कर रही हैं। काव्या सिंह लव यू बेटा। रात के 1 बजे ये देख रहे हैं भूत की फिल्म। ओए मेरी दवाइयों के, ये मैंने दवाई खाई है अभी अभी, और ये काव्य दवाई का रेफर ऐसा नहीं लेते बेटा। तो फ्रेंड्स 1 बज गया है और इनकी सबकी तो तैयारी मुझे लगता है सुबह तक ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे अब होती रहेगी। और मुझे तो आ रही है नींद, इतनी तेज नींद आ रही है, मेरी आंख बंद हो जा रही थी, मैंने फिर अभी अभी दवाई खाई और अब दवाई खा के मैं तो जा रही हूँ सोने। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।